हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो गया 12:30 और अभी थोड़ी टाइम में लंच करूँगी। और आज मेरा बच्ची का क्लास नहीं है, ऑफलाइन है, तो स्कूल तो नहीं भेज रही हूँ, तो इसके लिए छुट्टी। कल है ऑनलाइन क्लास। और बेटा का कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो बेटा कॉलेज किया और हस्बैंड भी चला गया। बाद में बहुत सारा काम किया, शॉपिंग, साफ सफाई, क्लीनिंग, खाना बनाना, वो सब किया। तो बच्चे लोग बोल रहे हैं राइस खाने का पसंद है, तो दाल राइस फ्राइड चीज़ वो सब बना लिया। और अभी थोड़ी टाइम में लंच कर लूँगी। आज बनाया आलू करेला के फ्राइड सब्जी और ये है शेजवान चटनी, दाल और राइस। तो अभी लंच कर लेती हूँ। दाल राइस के साथ जो फ्राइड चीज रहता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और बेटी राह देख रहे हैं मुझे, मम्मी कभी मैं वीडियो बंद करे, मैं टीवी देखूं, है ना। मुझे पता है, उसको भी अलग खाने दे दिया क्योंकि आज क्लास नहीं है, तो हाथ से खाना भी सीखना चाहिए ना। जो सीजन का चटनी रोटी के ऊपर जो लोग को ज़्यादा तीखा पसंद है ना, पानी दे, उन लोग को शेजवान सूप बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ी सी भी लिया ना जेब में, बहुत तीखा है। Hey guys, so आज मैं बनाने वाली हूँ समोसा चाट। हाँ, हर समय मैं ड्राइंग की वीडियो लाती हूँ, नहीं तो कहीं घूमने जाती हूँ, नहीं तो कुछ भी करती हूँ। लेकिन आज हम करने वाले हैं कुकिंग। जी हाँ, बिल्कुल दिल धाम के बैठी है भाई और बहनों, क्योंकि आज हम करने वाले हैं खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्रश करेंगे, तो अभी इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। छुरी का इस्तेमाल करते हुए हम तो अभी ये क्रश करके हो गया है। तो पहले हम डालेंगे, तो उससे सबसे पहले हम लेंगे एक चम्मच ग्रीन चटनी, एक चम्मच ग्रीन चटनी। उसके बाद हम लेंगे एक चम्मच खट्टा दही। उसके बाद हम लेंगे दो चम्मच इमली की चटनी। उसके बाद हम लेंगे शेव भुजिया। तो गाइस, इसे मैंने पूरी तरीके से चटनी से भर दिया है, उसको थोड़ा सा शेव भी छिड़क दिया है। अभी हम इसको पूरा डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दिया, कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, बस हो गया। तो अभी हमारा क्या हो गया, समोसा चाट, टेस्टी समोसा चाट तड़केदार बन के रेडी हो चुका है। तो हमारा टेस्टी समोसा चाट बन के रेडी हो गया है। अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बताओ बताओ, खुद से बन गया। तो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। मैं इसको छोड़ नहीं पा रही, इतना टेस्टी है। आप भी जरूर ट्राई करना। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाने को सब्सक्राइब करना। आज बाहर से जलेबी और एक क्या है समोसा, प्लेट में निकालती हूँ। चटनी भी लाए हैं। हाँ क्या, ये देखो आज तो पार्टी रे।
ये को भरी भरी चटनी है, भरी भरी ग्रीन चटनी हाँ, हरी हरी भरी भरी ये है ग्रीन चटनी, ये है मीठा चटनी, समोसे के साथ मिलता है ना आइस और जूस भी ले। हाँ तुम जूस। दोनों को लिए दो जूस। ये देखो मैंगो तो चालू कर दिया था, वो भी 10 रुपए का और बहुत सारा मीठी मीठी जलेबी। हाय फ्रेंड, मैं आगे टेरिस पे, आप लोग देख ही सकते हैं मेरा बैकग्राउंड पे कितना अच्छा ग्रीनरी है। और मैं रोज वीडियो बनाती हूँ ना रेसिपी का, तो मेरा बेटी आज बोल रहा है मम्मी वीडियो बनाओ, तो इतना छोटी है तो कैसे वो मैनेज करेगा, और जिद पकड़ के बैठा मुझे रेसिपी बनाने का है। तो मेरा आइडिया आया, चलो बनाओ, कोई बात नहीं बनाओ बिना मेकिंग का। बोला कैसे मम्मी तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। मैं बोला हाँ बनाओ। रेडीमेड समोसा लाया और समोसा को बहुत सारा चटनी दही सब दे के सेव भजिया ऊपर से डाल के जैसे बनाता है ना समोसा चट, तो वैसे बना लिया। इतना खुशी हो गया, खुशी में डगमग हो गया और सबको खिलाया, खुद खाया, बहुत खुश हो गया। तो मुझे भी अच्छा लगा और उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो मेरा बेटी का ये सारे ये किस्सा आप लोग को बताइए, आपका घर में भी छोटी बच्ची है तो जिद करेगा तो ऐसे कुछ नया चीज़ उसको बनाने दीजिए, तो बहुत ही चाह से वो बनाएगा, उसको बहुत खुश हो जाएगा। कभी कभी बच्चे लोग को भी खुश करने के लिए ऐसे कुछ मम्मी लोग को आइडिया दिमाग में लाना चाहिए, तो बच्ची भी खुश और मम्मी भी खुश। तो मैं अभी सनसेट हो गया, 6:10 हो गया, तो मैं और मेरा बच्ची आ गया ऊपर वॉकिंग के लिए। हाय, आज मम्मी और बेटी दोनों रेड रेड है ना ड्रेस, तो हम लोग वॉकिंग कर लेती हूँ फिर जाके। आज दोपहर को राइस बनाया था, देखते हैं शाम को क्या बनाने का मूड है, कुछ रोटी पराठा कुछ नया टाइप का कुछ बनाओ, देखते हैं घर पाते कि नहीं, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए, बच्ची का पढ़ाई ये वो सब रहता ही है, उसमें ही कुछ रेसिपी मैं शाम को टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे रेसिपी बनाना वीडियो बनाना बहुत पसंद है। दिन में एक बनाना चाहिए, कितना भी बिजी हो एक वीडियो मैं खुद के लिए बनाऊँ ना तो मेरा मन खुश हो जाता है, जहाँ चलो कुछ तो बनाया आज, मेरे लिए कुछ टाइम दिया, नहीं तो क्या घर का इतना सारे काम, दो बच्चे हैं मिस्टर है, सबको टाइम टू टाइम सब कुछ देने का करने का। और पहले जब भी मैं जॉब करते थे ना तभी भी मैं संभालती थी हर चीज़ें, क्योंकि लाना करना बच्ची को पढ़ाना तो सब कुछ मैनेज करके भी ऑफिस जाते थे, ऑफिस का काम भी संभालना पड़ता था दिन भर, तो अभी भी वही करती हूँ। हाँ जॉब नहीं जाती हूँ क्योंकि घर पे मेरा बेटी आ गई, तो तभी से मैं जॉब छोड़ दी, घर में हाउसवाइफ हो गई, घर का ही काम करती हूँ। हाँ घर का काम भी छोटा नहीं है, बहुत काम रहता है और बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है घर का, बच्चे लोग को सब कुछ, एनीथिंग एवरीथिंग, पढ़ाई से लेके खाना खिलाना तक, टाइम पे स्कूल भेजना, अभी तो ऑनलाइन में है घर में, ऑनलाइन पे बच्चे का क्लास कराना, जो होमवर्क देते हैं वो कराना, सब कुछ बराबर टाइम पे होना चाहिए। मिस्टर को भी ऑफिस जाने का है तो उसको भी सब कुछ टाइम पे, देखिए ये सब काम ही कुछ छोटा नहीं है, बहुत ही टफ है टाइम टू टाइम सब कुछ करना, तो मैं तो इजी से कर लेती हूँ। तो उसके बाद थोड़ा मेरे लिए भी टाइम निकलती हूँ वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे रेसिपी का वीडियो एवरीडे मैं अपलोड करती हूँ, तो वीडियो एवरीडे के लिए तो बनाना चाहिए। तो एक दिन में कभी कभी
टाइम मिलता है तो 2-3 वीडियो बना लेती हूँ, तो जो दिन नहीं कर पाती हूँ तो वो दिन वो मेकअप हो जाते हैं, दूसरा वीडियो जो करके रखी ऐसे। और जो ब्लॉगिंग चैनल में आप लोग वीडियो देखते हैं वो जो एवरीडे में काम करती हूँ, इधर घूमने जाती हूँ, जो कुछ भी होता है मेरा लाइफ में हलचल, तो वो सब आप लोग को साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज बनाया कंदा पोहा, बटाटा पोहा। हाँ, कंदा बटाटा देके पोहा, कंदा बटाटा पोहा। यस, कैसे लग रहा है? सुबह राइस खाया तो इसके लिए ये लोग राइस खाना नहीं चाहते, राइस खाना पसंद नहीं है, तो इसके लिए अभी पोहा खाने को बैठ गई। शाम को नाश्ता ना बहुत ज़्यादा ही हो गया था, एक समोसा चाट बनाया, केक, जलेबी, क्या क्या नहीं खाया, तो फिर इसके लिए खाने को भी सबको मन नहीं है। और इसके लिए हम लोग पोहा खा रहे, और राइस एक बार खाया तो दोबारा नहीं खाएगा। कभी कभी रात को हल्का फुल्का खाना भी चाहिए। और साथ में टर्मरिक मिल्क तो बना दिया, वो खाऊंगी, खाऊंगी नहीं पीऊंगी। मीन्स हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क भी बोल सकते हैं। तो गर्मा गर्म मिल्क पीऊंगी, फिर पी के टेरेस पे थोड़ा वॉकिंग करती हूँ खाना खाने के बाद, फिर आके हाफ एन आवर्स बेटी के साथ लीडू, फिर हम लोग सो जाते हैं। तो डिनर कर लेती हूँ। नो, बाउंस हुआ नहीं, मैं देखा, चल ऐसे। हाँ तो चीटिंग मत कर, नहीं ऐसे हुआ, डक यार ऐसे डरते रहे। ठीक है, होग ना, खेला अच्छे तो बाउंस हुआ, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिया चीटिंग। चलो हम लोग एंजॉय करते हैं।